मैं बहुत आदि नहीं हूँ इस पोडियम पे खड़ा होने के बोलने के लिए, माइक लेता हूँ और मतलब फिर बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को 5-10 मिनट टॉर्चर करूँगा, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे तो ऐसे बैठते थे, कोई आया तो कहते थे यार आप कौन आ गया, ये आपको 10 मिनट खाएगा हमारा, है ना, ऐसे ही होता था। तो मैं 5-10 मिनट लूँगा, लेकिन ये 5 से 10 मिनट जो आपके होंगे उसमें मैं जो भी बताऊँगा एकदम एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं बताऊँगा आपके साथ में। कोई किताब की बातें नहीं करूँगा या कोई फेक बातें नहीं करूँगा, जो जेन्युइन है वही करूँगा। इससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं करता क्या हूँ। सर ने बताया आज पहले मुलाकात सही से बता नहीं पाया सर, क्योंकि मैं भी ठीक से उनको बता नहीं पाया था, समय बहुत कम था। मैं एक अमेरिकन कंपनी में, अमेरिकन कंपनी समझते हो ना, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको बोलते हैं, पिछले 10 सालों से मैं काम करता हूँ। मैंने किया MBA जेन्युइन से और IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, और इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैंने IELTS किया है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मेरे YouTube पे जब जाओगे आप लोग देखोगे मेरे बारे में और अच्छे से जान पाओगे। तो मैं 10 सालों से एक मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में काम करता हूँ, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अमेरिकन के साथ काम करने का, ब्रिटिश के साथ काम करने का, वो सब आपको मिलेगा मेरे YouTube के माध्यम से। और इसके अलावा मैंने कॉलेजेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज है या गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुड़गांव रोहतक या फिर मैनेजमेंट कॉलेज IMS मैनेजमेंट कॉलेज गाजियाबाद के अंदर है, यहाँ पर मैं फ्रीलांस में पढ़ाता हूँ। फ्रीलांस समझते हो आप लोग, नहीं समझते, पार्ट टाइम। जैसे मान लो मैं अपने ऑफिस में 5 डेज काम किया, मेरे ऑफिस में 5 दिन काम होता है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मैं घर से ही काम कर रहा हूँ बैठ के। तो 5 दिन मैंने काम किया, 2 दिन मेरे पास छुट्टी मिला, 2 दिन में कॉलेज वाले कहते हैं राकेश ये काम करो आप आ जाओ, राकेश कम विल कंडक्ट अ सेशन फॉर 3 आवर्स, विल ट्रेन आवर स्टूडेंट्स, जो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको कम्युनिकेशन इंग्लिश प्लस, उन कम्युनिकेशन इंग्लिश करने का मतलब कुछ बात कैसे करो, इंग्लिश बोलना अलग चीज़ है और उस इंग्लिश में अपनी बातों को रखना अलग चीज़ है, और इंटरव्यू टेक्निक्स, जब वो इंटरव्यू में अपीयर होगा फाइनल ईयर में जाने के बाद, तो प्लेसमेंट एजेंसी आते हैं ना, बहुत सारे कंपनी वाले आएंगे बैठेंगे हायरिंग करेंगे लेके जाएंगे, गूगल IBM फेडेक्स नाइकी या फिर ACL BPRO कॉग्निजेंट, ऐसे तमाम बड़ी कंपनियां जो आएंगी और हायर करके कैंडिडेट्स को ले जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग 3-4 घंटे के क्लासेज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल प्लस इंटरव्यू स्किल को हम लोग ट्रेन कर देते हैं, फिर वो जब प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं तो सारे लड़के अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। ये मेरा काम है जो कॉलेजेस टू कॉलेजेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जा करके मैं करता हूँ। दूसरा, मैं जो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड रहा हूँ BSL ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज, जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश सीखना है, अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना समझना जानना है, बेसिक इतना ही चाहिए ना, लिखना पढ़ना बोलना समझना, उसके लिए जाते हो आप 5-10 हज़ार रुपये देते हो उसको, 2-3 महीने का कोर्स होता है, 2 महीने का कोर्स होता है, जो भी हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना होता है, आप इंग्लिश सीख जाते हो। तो BSL के साथ में मैं पिछले 15 सालों से एसोसिएटेड। इसके अलावा जो मैं बताया वो ब्रिटिश काउंसिल, जैसे इसमें बहुत सारे लोग, कितने लोग फॉरेन जाकर काम करना चाहते हो, रेज हैंड प्लीज, हाउ डू यू, कितने लोग बाहर दुनिया में अमेरिका ब्रिटेन कनाडा जाकर काम करना चाहते हो या पढ़ाई करना चाहते हो, हाउ डू यार सर मैं करो कम ऑन, जाना नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ रही है, 10-15 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जॉब मिल जाएगी, जाना ही पड़ेगा सारे जगह। ओके नो प्रॉब्लम। तो अगर आप अमेरिका ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं साइंटिस्ट हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे बड़ी कंपनी में काम भी करते हैं, मैं भी पिछले साल जाने वाला था कोरोना में नहीं गया, दुबई गया फिर दो बार आ गया 1 साल के अंदर, कोरोना ने वापस बुला लिया फिर। तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, एकेडमिक एक होता है जनरल होता है, जनरल हमारे लिए है क्योंकि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, एकेडमिक आपके लिए है। आप यूट्यूब पे जाओगे देखो तमाम लड़कियां काम कर रही हैं, अभी देखो अभी चल रहा है ना यहाँ पे अपना यूक्रेन के अंदर, वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तमाम लड़कियाँ गई हुई हैं,
तमाम लड़के गए हुए वहाँ पे, स्टूडेंट है ना, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, पढ़ाई करने गए ना। तो जब पढ़ाई करने के लिए जब आप जाओगे बाहर तो आपको एग्जाम पास करना होगा, एक ब्रिटिश काउंसिल कराता है इसका टेस्ट। ये आपका दिल्ली के अंदर है, बारहकंबा रोड पे, इनके सेंटर्स लखनऊ में है, चेन्नई में है, बड़े बड़े शहरों के अंदर है इनके सेंटर्स। तो आप फॉर्म भरते हो, फिर वहाँ पे जाते हो, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग चार टेस्ट होते हैं, देते हो, एक में तो बैठ के अमेरिकन या ब्रिटिशर्स लेगा, अंग्रेज लेगा आपका इंटरव्यू वहाँ पे, जो ब्लैक फाइनल राउंड जो होता है उसमें। तो वो टेस्ट पास करने के बाद आपको बैंड मिलते हैं, उस बैंड को लेकर के आप बाहर जा सकते हो, वो दिखाना पड़ता सर्टिफिकेट आपको एम्बेसी के अंदर। इनकी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। अमेरिका जब जाओगे तो उसके लिए टेस्ट होता है टोफिल, वो टेस्ट में उसकी ट्रेनिंग में देता हूँ, ऑनलाइन भी देता हूँ ऑफलाइन भी देता हूँ, यानी किसी को लेना है तो मैं ट्रेन अप कर देता हूँ। या किसी को इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, कनाडा जाना है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि यार इमिग्रेशन में कैसे, इमिग्रेशन भी समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को भी। यहाँ से जाओगे तो एयरपोर्ट पर रोक देंगे, टिकट है चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उस देश का वीज़ा आपके पास है कि नहीं है, वीज़ा भी चेक करेंगे ना, उस वीज़ा की भी कैटेगरी है, उसमें भी मैं हेल्प करता हूँ लोगों की। तो इसलिए मैं आपको इस ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप एस्पायरेंट हो कि यार मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ बहुत बेहतरीन, अच्छे से मन से पढ़ना है। ट्वेल्थ के बाद मुझे बहुत सारे फ्री के एग्ज़ाम होते हैं, कोई पैसा नहीं देना होता, आप पास हो जाओगे इंडियन गवर्नमेंट आपको भेजेंगे पढ़ने के लिए वहाँ, और आपको पैसे भी मिलेंगे, 20-30 हज़ार रुपये मिलते हैं आपको फ्री में। ये जेन्युइन सारी चीज़ें एक्स वाई जेड मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलती हैं, मैं कोई चार्ज नहीं करता। YouTube चैनल पे मैं फ्री में सारी चीज़ें बताता हूँ, इंग्लिश को लैंग्वेज तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ मैं, उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लस एक चीज़ और मैं देता हूँ, अगर आपको यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अगर आपको SCL में जाना है, रिलायंस में जाना है, छोटा छोटा वीडियो नाइकी में जाना है, फेडएक्स में जाना है, जो बड़ी कंपनी है इसमें जाना है आपको, सात मिनट जैसे बहुत सारे लड़के, मैं बता जैसे कोरोना चल रहा है ना, हमें कोरोना से कोई फर्क